हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं भगवान की कृपा से सब लोग अच्छा होंगे, खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक नए विवाद में फंस गई। पहले से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट कर दिए जिनमें ज्योति मौर्य के रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को भेजी, साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने भी होने का जिक्र। आरोपों के मुताबिक उस डायरी में ज्योति मौर्य अवैध तौर पर की गई वसूली का हिसाब किताब रखती थी, जिसमें लेन देन के लिए खास कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब थाउजेंड। अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच की मांग की, जबकि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर उनके फोन को हैक करने के गंभीर आरोप लगाए। वो अपने पति आलोक मौर्य से तलाक भी लेना चाहती है, इसके लिए केस भी दायर किया जाएगा। लेकिन इस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में फंस गई। ज्योति पहले ही अपने पति पर फोन को हैक करने का केस दर्ज करवा चुकी है। मतलब सुनना चाह रही है। और एक बात, दूसरी तरफ आलोक का आरोप ये है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवाना चाहती है। ज्योति के पति आलोक भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं। उनका दावा यह है कि ज्योति मौर्य के पीसीएस अफसर बनने में भी उनकी ही भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। पहुँच चुका है, बल्कि ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगा रही है और ऑफिसर बना है। शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई का पता चला। ज्योति के मुताबिक शादी के वक्त आलोक एक सफाई कर्मचारी थे और ये बात उन्होंने ज्योति के परिवार से छुपा कर रखी। इतना ही नहीं, ज्योति के मुताबिक आलोक उनसे एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आलोक पर उनकी जासूसी करने के आरोप भी वो महीनों से लगा रही है। फोन हैकिंग के मामले में तो यूपी पुलिस ने ज्योति मौर्य की शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी, लेकिन पति पत्नी के बीच की ये लड़ाई अब राज्य सरकार में घूसखोरी के आरोपों तक पहुँच गई। तो आप उनसे माफ़ी मांग के अपना घर परिवार जो है आराम से खुशी खुशी रहिए। और दोस्त लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में बताइए कि कैसे वीडियो कैसे बनाए, क्या क्या करने से अच्छा बनेगा, जो कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, अभी नया यूट्यूब चैनल एक खोला हूँ, तो इतना मतलब कैमरा के सामने बोलने में मेरे को बहुत तकलीफ भी हो रहा है, लेकिन एक बनाने का मन किया तो बना लिया। कैसे बनाए ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं अगली बार जब बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। मैं उड़ीसा से हूँ, ऐसे नहीं कि हिंदी मालूम नहीं है, हिंदी भी मालूम है, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कैमरे के सामने, जैसे कैमरे के सामने बोलने में हर किसी को आसान नहीं होता है, ऐसे दिक्कत हो रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर अच्छा बनाए कि बुरा बनाए प्लीज़ कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा और आपको दूँगा। ठीक है, बाय बाय।